हेलो। हाँ, हमारा सिंपल मशीन्स चैप्टर चल रहा है, उसमें का लीवर का टॉपिक हमने जस्ट ख़त्म किया है पहले, लास्ट लास्ट में लास्ट लेक्चर में। अभी लीवर के ऊपर के जो सम से वो देखेंगे। पहला सम से, और रॉड ए बी इज़ अ 8 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ गॉट अ वेट ऑफ 10 kg एट ए। द फल्क्रम इज 3 मीटर फ्रॉम बी। कैलकुलेट द लोड एट बी इफ द लोड इज इन बैलेंस कंडीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन हमारा चल रहा है। इसमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द लोड एट बी। बराबर। तो क्या दिया है? रॉड ए बी, ये रॉड है ए बी, ए बी रॉड है, कितना मीटर? 8 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ गॉट अ वेट ऑफ 10 kg एट ए। 10 kg वेट मतलब लोड, वेट डब्ल्यू मतलब वेट, डब्ल्यू होता है वही लोड होता है, तो ये 10 kg ये लोड है एल। द फल्क्रम इज 3 मीटर, 3 मीटर फ्रॉम बी। ये फलक्रम हो गया, जिसे बोलते हैं सपोर्ट। ये फलक्रम इज 3 मीटर फ्रॉम बी। ये बी से फलक्रम कितना है? 3 मीटर। कैलकुलेट द लोड एट बी इफ द लोड इज इन द बैलेंस कंडीशन। अभी लोड एट द बी मतलब क्या है? वो एफर्ट है, क्योंकि एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। वेन लोड एंड एफर्ट आर नॉट गिवन गिवन सेपरेटली इन द सम सम इन द सम सॉरी इन द सम कंसिडर विच वन हैविंग मोर वेट इज ए लोड। अगर सम्स में लोड और सेपरेट एफर्ट सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, कि मेंशन नहीं किया है कि ये लोड है और ये एफर्ट है, ऐसा नहीं दिया होगा, तो कंसिडर क्या करना है? ज़्यादा वजन होगा उसे वो क्या, ज़्यादा वजन वाला वो क्या रहेगा? लोड रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो एफर्ट रहेगा। ठीक है, ज़्यादा वजन वाला जो भी रहेगा वो लोड रहेगा। विच वन हैविंग मोर वेट इज ए लोड, और कम वजन वाला एफर्ट रहेगा। ये नोट हमें ध्यान में रखना है। तो ये सम्स के बेस पे हमने ये डायग्राम निकाला। तो एज पर लीवर प्रिंसिपल, लोड इंटू लोड आर्म हमने देखा है, लास्ट लेक्चर में ये दिखा है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म पिछले लेक्चर में हमने समझ के लिया है। लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ये क्या है? लीवर प्रिंसिपल। तो लोड कितना है? 10 kg। लोड आर्म कितना है? अभी देखो, सॉरी ये लोड आर्म है, टोटल ए बी 8 मीटर है, एफर्ट आर्म 3 मीटर, तो लोड आर्म कितना आएगा? 8 - 3। बराबर, ये लोड आर्म कितना आएगा? 8 - 3 कितना है? 5। तो लोड आर्म 5 इज इक्वल टू एफर्ट कितना है? एफर्ट पी हमें निकालना है, पी निकालना है। एफर्ट आर्म कितना है? 3। सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू 10 × 5/3। बराबर, इस ये पी यहाँ पे आया तो ये ऊपर आएगा और 3 नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 × 5 = 50, 50/3। तो पी कितना आया? ये सॉल्व करके तो कितना आएगा? पी इज इक्वल टू 16.67 kg। ठीक है, ये नोट में फिर से बोल रहा हूँ। वेन लोड एंड एफर्ट आर नॉट गिवन सेपरेटली इन द सम, सम मतलब क्वेश्चन में, कंसिडर विच वन हैविंग मोर वेट इज एज लोड। जो ज्यादा वजन रहेगा वो लोड रहेगा, और कम वजन वाला एफर्ट रहेगा। सेकेंड सम है, अ वेट ऑफ 3000 kg इज टू बी लिफ्टेड बाय अ बार ऑफ लेंथ 3 मीटर। द लोड आर्म इज 1 मीटर
एंड द एफर्ट आर्म इज 2 मीटर. फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम. देखो ये सम्स के बेस पे ये यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है. अ वेट ऑफ 3000 kg इज टू बी लिफ्टेड बाय अ बार ऑफ लेंथ 3 मीटर. ये 3 मीटर का बार है यहाँ से यहाँ. द लोड आर्म इज 1 मीटर एंड एफर्ट आर्म इज 2 मीटर. ये फलक्रम है, ये लोड से फलक्रम लोड आर्म हो गया, एफर्ट से फलक्रम एफर्ट आर्म. तो लोड आर्म कितना दिया है 1 मीटर और एफर्ट आर्म कितना दिया है 2 मीटर, ठीक है. इसके बेस पे हमने ये सम्स बनाया है, सम्स के बेस पे ये डायग्राम बनाया है. तो एज पर लीवर प्रिंसिपल लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म. अभी लोड कितना है दिया है, वेट ऑफ 3000 kg इज टू बी फिल्ड बाय अ बार ऑफ लेंथ 3 मीटर. कितना है लोड 3000. लोड आर्म कितना है 1 मीटर इज इक्वल टू एफर्ट कितना है, एफर्ट पी निकालना है और एफर्ट आर्म कितना है 2 मीटर. 3000 इंटू 1 कितना था 3000 इज इक्वल टू पी इंटू 2. देयर फॉर पी इज इक्वल टू 3000 अपॉन 2. तो पी कितना आया, एफर्ट कितना है, पी मतलब क्या है एफर्ट, कितना आया 1500 kg. मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है. मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. लोड है 3000, एफर्ट है 1500, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 2. बराबर, ये सेकंड सम हो गया. अभी थर्ड सम. अ लोड ऑफ 200 kg इज टेकन इन अ व्हील बैरो. द लोड इज 50 cm एंड द एफर्ट अप्लाइड इज 150 cm अवे फ्रॉम द फलक्रम ऑफ बोथ साइड. कैलकुलेट द मैक्सिमम एफर्ट रिक्वायर एंड मैकेनिकल एडवांटेज. दो चीज निकालनी है यहाँ पे हमें, एक तो एफर्ट निकालना है और दूसरा है मैकेनिकल एडवांटेज. तो देखो ये फलक्रम है, ये लोड डब्ल्यू और पी एफर्ट, ठीक है. द लोड इज 50 cm एंड एफर्ट इज 150 cm अवे फ्रॉम द फलक्रम. मतलब लोड फलक्रम से 50 cm दूर है और एफर्ट फलक्रम से 150 cm दूर है. तो ये क्या हो गया, 50 लोड आर्म हो गया और 150 एफर्ट आर्म. तो एज पर लीवर प्रिंसिपल लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म. ये ध्यान रखना प्रिंसिपल. लोड कितना है 200 इनटू लोड आर्म कितना 50 इज इक्वल टू एफर्ट पी निकालना है इनटू एफर्ट आर्म कितना है 150. ये कितना आता है 10000 इज इक्वल टू पी इनटू 150. देयरफॉर पी इज इक्वल टू 10000 अपॉन 150. तो पी कितना आया, पी एफर्ट कितना आता है, ये सॉल्व करेंगे डिवीजन, ये डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, पी इज इक्वल टू 66.67 kg, ठीक है. एक चीज मिल गई एफर्ट. दूसरा ढूंढना है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. लोड है 200, एफर्ट कितना आया 66.67. तो 200 डिवाइड बाय 66.67 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा आंसर. तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा 3. नेक्स्ट समय, टेक अ रोड रॉड 75 cm इन लेंथ. हाउ मच एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड एट इट्स एंड टू बैलेंस अ लोड ऑफ 5 kg एट इट्स अदर एंड एंड कीपिंग द फलक्रम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम द लोड एंड. देखो एक रॉड है,
75 सेंटीमीटर का लेंथ का, हाउ मच एफर्ट टू बी अप्लाइड इट्स एंड टू बैलेंस अप लोड, 5 kg लोड है, डायग्राम में देखो, एंड इट्स अदर एंड इट कीपिंग द फल्क्रम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। मतलब लोड और फल्क्रम का डिस्टेंस कितना है, मतलब लोड आर्म, लोड और फल्क्रम का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, लोड आर्म, तो कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये टोटल रोड का लेंथ कितना है 75, लोड आर्म कितना है 15, तो एफर्ट आर्म निकल जाएगा, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू, ये एफर्ट आर्म कितना है, ये टोटल है रोड, ये रोड टोटल है यहाँ से यहाँ तक टोटल रोड का दिया है 75, तो टोटल रोड में से लोड आर्म माइनस कर गए, मतलब 75 में से 15 माइनस करेंगे तो 60 रहेगा, ये 60 क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म। सो एज पर प्रिंसिपल लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड है 5 kg, लोड आर्म 15, एफर्ट पी निकालना है, एफर्ट आर्म कितना आया 60, देयरफॉर ये कितना आएगा 15 इंटू 5 75 इज इक्वल टू पी इंटू एफर्ट पी इज इक्वल टू 75 अपॉन 60, तो कितना आता है एफर्ट पी, कितना आता है फाइनल आंसर 1.25 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेट ऑफ 10 kg इज जस्ट टू बी लिफ्टेड थ्रू अ लीवर हैविंग इट्स फल्क्रम एट एफ एज शोन इन फिगर। मतलब ये क्वेश्चन में फिगर दिया है, यहाँ अलग से फिगर निकाला नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफर्ट पी। तो ये फिगर में क्या दिया, देखो ये फल्क्रम है, यहाँ पे वेट है लोड कितना है 10 kg, पी है, ये एफर्ट से लोड दिया है, लोड आर्म कितना है 25 और एफर्ट आर्म दिया है नहीं दिया है, एफर्ट आर्म कितना आएगा, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू 60 प्लस 25 मतलब 85, एफर्ट आर्म कितना आएगा, ये लोड आर्म प्लस जो दिया है 60, तो दोनों मिलके क्या होता है, फल्क्रम से पी तक का डिस्टेंस मतलब एफर्ट आर्म, तो एफर्ट आर्म कितना है 85। एज पर लीवर प्रिंसिपल एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट पी हमें निकालना है, एफर्ट आर्म हमने निकाला कितना आया, ये एफर्ट आर्म 85, 60 प्लस 25 मतलब कितना है 85 इज इक्वल टू लोड 10 kg दिया है, लोड आर्म दिया है कितना 25, देयरफॉर पी इंटू 85 इज इक्वल टू ये कितना आता है 250, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 250 अपॉन 85, ये हम डिवीजन करेंगे तो हमें एफर्ट पी मिल जाएगा, कितना आता है एफर्ट पी 2.941 kg। इन नेक्स्ट समय फाइंड द फल्क्रम ऑफ 1 meter लॉन्ग रोड हैविंग वेट 100 gram एट वन एंड 150 gram एट अदर एंड। ये हिस्सा दिया है, इसमें डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम यहाँ पे निकालना है। देखो 1 meter का लंबा एक रॉड है, हैविंग वेट 100 gram एट वन एंड, मतलब एक जगह पे 100 gram है और दूसरी जगह पे 150 gram। अभी देखो वो नोट मैंने दिया था लिख के, व्हेन लोड एंड एफर्ट आर नॉट गिवन सेपरेटली, यहाँ पे लोड और एफर्ट दिया है क्या, यहाँ से वजन दिया कि एक है 100 gram दूसरा है 150 gram, ऐसा दिया कि ये लोड इतना है और एफर्ट इतना है कुछ दिया है नहीं, तो अभी ऐसा कुछ रहेगा
तो वो नोट याद करने का जो मैंने लिख के दिया है, कौन सा नोट क्या लिख के दिया है, व्हेन लोड एंड एफर्ट आर नॉट गिवन सेपरेटली इन द सम, मतलब सम्स में नहीं दिया है सेपरेटली, सो कंसिडर विच वन हैविंग मोर वेट इज एज अ लोड, तो ज्यादा वजन वाला क्या रहेगा, लोड रहेगा, तो इसमें ज्यादा वजन कौन सा है, 100 ग्राम या 150 ग्राम, 150 ग्राम ज्यादा वजन है, तो 150 ग्राम क्या हो जाएगा, लोड, और 100 ग्राम क्या हो जाएगा, पी, बराबर। यहाँ पे दिया है क्या, सेपरेटली नहीं दिया है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो जो ज्यादा वजन रहेगा वो होगा लोड और कम वजन वाला होगा एफर्ट, पी, ठीक है। लेंथ ऑफ द लीवर कितना है, 1 मीटर, इफ एफर्ट आर्म इज इक्वल टू एक्स देन लोड आर्म कितना आएगा, देखो एफर्ट आर्म हमने यहाँ पे एक्स लिया तो लोड आर्म कितना आएगा, 1 माइनस एक्स, बराबर ना, ये 1 क्या है, 1 मीटर है, 1 कितना है, 1 मतलब क्या है, 1 मीटर, तो लोड आर्म कितना आएगा, ये 1, अगर एफर्ट आर्म हमने एक्स समझा कि समझो, अगर एफर्ट आर्म हमने एक्स समझा है तो लोड आर्म कितना आएगा, ये 1 मीटर है, 1 माइनस एक्स मीटर। एज पर लीवर प्रिंसिपल एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट कितना है, 100 ग्राम इंटू एफर्ट आर्म कितना हमने लिया है, एक्स, सपोज एक्स, एक्स हमने माना है, इज इक्वल टू लोड कितना है, 150 इंटू लोड आर्म कितना है, 1 माइनस एक्स मीटर, 100x इज इक्वल टू 150, 150 इंटू 1 कितना है, 150, और 150 माइनस x कितना है, 150 इंटू x कितना है, 150x, ये 150 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x, ये माइनस 150x है, तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों x x साथ में लेना है, इसलिए इसको यहाँ पे लिया, ये 100x है, ठीक है, ये 100x है और ये माइनस 150x है, तो दोनों x को साथ में लिया इसलिए माइनस 150x यहाँ पे आएगा, अपोजिट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x, प्लस हो जाएगा, तो 100x प्लस 150x और इज इक्वल टू 150, 100x प्लस 150x कितना आएगा, 250x, 250x इज इक्वल टू 150, देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 अपॉन 250 इज इक्वल टू 3/5, तो x कितना है, 0.6 मीटर, ये मीटर है। एफर्ट आर्म x इज इक्वल टू 0.6 मीटर, 0.6 मीटर मतलब कितना, 600 mm, बराबर ना, 0.6 मीटर, 1 मीटर मतलब 1000 mm, तो 0.6 मीटर कितना आएगा, 600 mm, therefore load arm 1 minus x is equal to 1 minus x कितना है, 0.6, तो 1 minus 0.6 कितना आएगा, 0.4 मीटर, और 0.4 मीटर मतलब 400 mm, fulcrum lies between 400 mm from the load and the 600 mm from the effort, ठीक है, ये आंसर मिल गया, सब सेम ही है, जो मेन लीवर का प्रिंसिपल है एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म, ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट समय, ए शॉर्टर आर्म ऑफ अ राइट एंगल बेल क्रैंक लीवर इज 160 mm, द अदर आर्म इज 250 mm लॉन्ग, इफ अ लोड ऑफ 220 kgf इज हैंग ऑन द शॉर्टर आर्म एंड, वॉट इज द फोर्स अप्लाई एट द एंड ऑफ द आर्म इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिंपल है, ये जो लीवर प्रिंसिपल है यूज करने का, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट पी निकालना है, एफर्ट आर्म दिया है, लोड आर्म 20 है, लोड 20 है और लोड आर्म कितना है, 160, तो एफर्ट पी निकल जाएगा इजीली, ठीक है, बराबर ना।
एफ आर एम दिया है 250 लॉन्ग, लोड कितना है 20 kg, और लोड आर्म कितना है दिया है, लोड आर्म दिया है क्या 160 mm, तो पी इज इक्वल टू 20 × 160/250। तो ये सॉल्व करेंगे तो 64/5 आएगा, एफर्ट पी कितना आएगा 12.8 kgf, ये फाइनल आंसर आएगा। ये कुछ सम से आप सॉल्व चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे सम्स हमने सॉल्व दिखे हैं बहुत इजी सम से, अगर आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर सिंपल मशीन कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें भी कुछ जो फार्मूले हैं वो फार्मूले आपको बाहर करना होगा, ठीक है। ये सिंपल मशीन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।